अरे उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है डॉक्टर रितु बनावत। अगला प्रश्न डॉक्टर रितु बनावत बैठिए। मान्य मंत्री जी अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या अच्छा हो गया 4010। मान्य मंत्री जी मेरे पास जवाब आ चुका है, मैं पूरा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मान्य मंत्री जी अगला प्रश्न आ गया, रितु बनावत पूरा प्रश्न पूछना। आपके दोनों प्रश्न पूछ लिए। अब अगला हो गया डॉक्टर रितु बनावत, क्या प्रश्न कौन मंत्री पूरा प्रश्न पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय। मान्य मंत्री जी कौन है? खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री है ना यार, आपका प्रश्न कह रहा उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में वर्ष 2022-23 में 59,18,718 टन एवं 2023-24 में 43,82,760 मैट्रिक टन बाजरे का उत्पादन हुआ। जी नहीं, खरीफ विपणन सीजन वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। बाजरे का लक्ष्य निर्धारित नहीं होने से खरीद नहीं हुई। खंड दो उत्तर बिंदु संख्या एक में समाहित है। खंड तीन जी नहीं, वर्ष 2024 में आने वाली खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। माननीय सदस्य, अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि बाजरे की खरीद नहीं हुई है, पिछले कई सालों से MSP पर बाजरे की खरीद नहीं हुई है। जब बाजार में बाजरा आता है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि श्री अन्न है, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा बाजरा जो है वो राजस्थान में होता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब बाजार में बाजरा आता है तो 1600-1800 रुपये टन के भाव से बिकता है, और खरीद जब नहीं होती है तो अरबों रुपए का किसान को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए कोई योजना सरकार के पास है या नहीं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल कितने बाजरे का उत्पादन का लक्ष्य है, और कितना टन सरकार खरीदने का लक्ष्य कर रही है? इस हिसाब से किसानों को अरबे रुपए के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? अगर ऐसी कोई योजना है तो सरकार मेज पर रखे। मैं माननीय सदस्य के जो विषय है गंभीर विषय है, उन किसानों के लिए जो जागरूकता जो विषय किसानों को लाभ मिले, और इसके लिए जो योजना का आपने विषय पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के लिए हमेशा प्रोत्साहित करने का पूरे भारत में और पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा हर जगह है माननीय मोदी जी की। अब ये बात राजस्थान में ये सत्य है कि पिछले लंबे अरसे से राजस्थान में बाजरे की खरीदे नहीं की गई है, और आने वाले समय में हमारी सरकार जिस तरह हमने किसानों के लिए काम किया, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही किसानों को बोनस गेहूँ में दिया 125 रुपये क्विंटल, और जिस तरह किसान सम्मान निधि के तहत 650 करोड़ रुपए दिए गए, मुझे विश्वास है आने वाले समय में, क्योंकि आचार संहिता आने वाले समय में जरूर इस बिंदु पर सरकार गहनता से विचार कर किसानों को